करते हैं, कितना मस्त गाड़ी चला रही है। Hey guys, welcome to my new vlog। और आज आपका भाई जो है निकल रहा है पटना घूमने के लिए, और कोमल बोली है कि हम भी चलेंगे साथ में, लेकिन भाई आपका सोचा है कि उसको लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उसे मिलेंगे जरूर। अब पता नहीं वो बैग लेकर के रेडी है, जाएगी जबरदस्ती जरूर करेगी जाने का। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, देखिएगा ब्लॉग कि दिखाते हैं किस तरह से अभी कोमल भी नखरा करती है, वो जाएगी उसको लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और इधर देख लीजिए, सुबह सुबह आपका भाई जा रहा है पटना, और सुबह सुबह भैया लेकर के आए हैं मछली, मतलब अकेले अकेले बना के खाएंगे मरा हुआ मछली का। तुम भी खा लो। नहीं नहीं भैया, हम मछली उछली नहीं खाएंगे। अरे हम आएंगे उधर से तब बना दीजिए, बनाइएगा ना। तो चलिए, आपका भाई जो है अपना हाथी भी निकाल दिया है, अब बैठेगा यहाँ से निकल लेगा। ठीक है मम्मी, ठीक है, निकलना जरूरी है, तो जल्दी में निकलते हैं, काहे कि कोमल भी इंतजार कर रही होगी, अब क्या होगा उसका नखरा पता नहीं। गाइस, आपका भाई जो है स्टेशन पर पहुंच गया है न्यू बरौनी, और मेरे साथ में गौरव जी भी आए हैं हमको छोड़ने के लिए। गाड़ी तो आ गई है इस साइड, और कोमल से भी मिलाते हैं। देखिए कोमल भी इसी गाड़ी से आई है मिलने के लिए। और बाबू कैसे हो? गौरव जी को देखिए, अंदर से जलन फील हो रहा है। चलिए ठीक है, हमको जलन नहीं होता। ठीक है कोमल, निकलते हैं, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जाएगी? तुम चल जाओ ना, तुम रहना घर पर, हम आ जाएंगे। चलना है साथ में? ठीक है चलो चलो, कोई बैठ जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मम्मी जो है सामने बगल में बैठ गए आराम से चिपक के, अब मिलते हैं एक बार पटना में। गाइस फाइनली आपका भाई जो है अभी पटना उतर गया। कहाँ उतरी है पटना? सासाराम। वो सासाराम को याद दिला देती है, देख रहे हैं ना। तो पटना उतर गया आपका भाई। जाओ कोमल, जाओ जाओ, हमको भी ले लो साथ में। आ जा, उतर जा। अभी पटना स्टेशन के बाहर 10 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया है, और इधर से ही शायद रूम पर। तुमको मालूम है किधर जाना है? नहीं मालूम है? तो हमको भी नहीं मालूम है। तो कहाँ जाएगी वो? आएगी? नहीं आएगी लेने के? मतलब कौन आएगी, काहे बोल रही है लाइव में आएगी? आएगी, मेरी दोस्त आई है, बहाना है। तो चलिए गाइस, अब बताता आपका भाई कि पहले तो कोमल से मिले, अब मिलिए कोमल की बहन से, जो हमको जीजा जी बोलती है, मतलब मेरी साली है, प्यारी साली है, बहुत मानती है हमको। अभी मिलाते हैं उससे। देख लीजिए गाइस, यही मेरी साली है, और शर्मा का रही है, देखो इधर कि आपको दिखाई दिए थे साली साहब, साली साहिबा, साली साहिबा और कोमल, मतलब हमको छोड़ करके दोनों अपना अपना हाथ पकड़ के निकल दिए हैं यहाँ से। कुछ कहना चाहोगी? हाँ, जरूर कहना चाहेंगे, ये मेरे प्यारे प्यारे जीजू हैं। अच्छा, और देख रहे हैं? और ये मेरी दीजू है। और क्या, क्यूट क्यूट जीजू है। देखिए गलत रास्ते पे जाने लगे, अब ये मेरी दीदी को छोड़ के नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाते। और कुछ कहना चाहती है? हाँ, अभी अभी बहुत सारा बात करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, बाकी आधा हफ्ते नहीं, कुछ नहीं भाव ये गलत बात है। देख, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आधा हक नहीं, बल्कि जो भी पब्लिक, नहीं जो भी पब्लिक मेरे देख रहे हैं वीडियो को, जितने भी भाई हैं उनके लिए ये है। और आप देख सकते हैं कि मतलब साली के जो है रूम में आ गए हैं, और कंधा पर रखे कि नहीं? रखे 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 नहीं रखेंगे, लेकिन देखिए हमको प्रपोज कर रही है। कुछ बोल के, आई लव यू टू, आई लव यू जाने मन, लव यू तो मतलब वो हमको दी, और हम अपनी कोमल रानी को दे दिए थे। तो प्रपोज कौन की थी? प्रपोज हमको मेरी वाइफ करी थी। अच्छा, वाइफ की थी। उस टाइम सर आपका बाल बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था। हम लड़की थे ना पहले। अच्छा, अब लड़का हो गए? अब लड़का हो गए। अच्छा, तो मैं कैसे समझू कि आप लड़का हो गए? तो मतलब उसके लिए तो प्राइवेट जगह पर जाना पड़ेगा ना। अच्छा, प्राइवेट जगह, रूम से अच्छा प्राइवेट जगह। तो गाइस आप देख ही लिए होंगे कि किस तरह से हम साली के साथ मस्ती करते हैं, और साली का कहना हो इधर आओ, इधर कहाँ जाएगी? मरीन ड्राइव घूमने। हाँ। तो अभी जो है रात में ये बोली है, रात का कितना बज रहा है? 7 बज रहा है, अभी बोली है मरीन ड्राइव चलने के लिए। तो आप लोग बने रहिए, हम और कोमल और हमारे प्यारे प्यारे जीजू। अरे बाप रे बाप,
तीनों के तीनों जा रहे हैं अभी बाइक लेंगे। और हाँ, जिसको जिसको जीजू है ना, वो सब पटना आइए, घूमिए, मस्ती करिए मरीन ड्राइव में। मरीन ड्राइव में मिलते हैं। मिलते हैं गाइस। आपका भाई जो हेलमेट लगा करके ट्रिपल लोडिंग बैठ गया, और पीछे वाली जो हेलमेट लगाई है, बताइए कैसी लग रही है देखने में। इधर थोड़ा आए करो। हेलमेट वाली साली के साथ आज घूमने के लिए जा रहे हैं, और बीच में देखिए कोमल मुंह छुपा रही है, थोड़ा तुम भी आए कर दो। तो चलिए हम मिलते हैं मरीन ड्राइव में। देख सकते हैं मरीन ड्राइव में किस तरह से हम तीनों के तीनों लापरवाह की तरह घूम रहे हैं। देख सकते हैं भाई मस्ती में, हेलमेट खुल रहा है मेरा। थोड़ा फिर से बोलो तो। ये क्या देख रहा हूँ, मेरे जीजू का हेलमेट खुल गया। फाइनली आपका भाई जो है मरीन ड्राइव इन कर गया है और यहाँ पहुँच गया है, गाड़ी भी लगा दिया है। और इधर का देखिए पूरा व्यू दिखा देते हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब तीनों तीनों जाते हैं, पहले कुछ खाएंगे, काहे की भूख बड़ी जोर से लगा। साली का खाए, जीजू खिला रहे छोले भटूरे। छोले भटूरे खा रहे हैं। अकेले के लिए खा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? अकेले थोड़ी खा रहे हैं, साली भी खा रही है साथ में। अच्छा, नहीं नहीं, हमको तो एक बार नहीं पूछे आप। अरे आप बोले हम मैदा का सामान नहीं खाते, इस वजह से नहीं पूछे आपसे। अच्छा समझे। चलिए अभी और कुछ खिलाते हैं आपको, कुछ और खिलाएंगे। कोमल थोड़ा उस पर खड़ा हो जाओ। आपका भी नाम कोमल है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. गाइस मरीन ड्राइव का जो है मार्केट हो गया है पूरा शांत, काहे कि रात के बज रहे हैं 11। और हम और कोमल और पूजा तीनों के तीनों जा रहे हैं रूम पर। देख सकते हैं पूजा सीट पूछ रही है, रहने दो हम कर देते हैं, देते हैं। अभी निकलते हैं पहले रूम पर, रूम पर पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा हॉस्पिटल। गाइस आपका भाई जो है मरीन ड्राइव से अब रूम पर जा रहा है, और कौन कहता है कि मरीन ड्राइव में ड्राइवर का हालत खराब हो जाता है। यहाँ तो मेरी वाइफ गाड़ी चला रही है गाइस, देख सकते हैं कितना मस्त गाड़ी चला रही है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मरीन ड्राइव में गाड़ी चला रही है, देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पूरा ब्लॉग पूरा वीडियो कैसा लगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ होने वाला है, जिसके वजह से हम ब्लॉग को यही रास्ते में ही एंड कर दे रहे हैं, क्या कोमल? और आप लोग बोल दीजिए कमेंट करने के लिए। कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। और पीजे में साली बैठी है, साली एक बार आई लव यू बोल दो। आई लव यू, तो आई लव यू भी लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट में। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय। काहे कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। लव यू।